हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने स्कूटी में कुछ चेंजेस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूटी का जो मिरर है उसको चेंज करूंगा, क्योंकि मिरर जहां से मूव होता है वो ख़राब हो चुका है। तो इस बार जो मैं मिरर इंस्टॉल करूंगा वो हैंडल बार मिरर होगा, मतलब हैंडल के जो दोनों साइड में लगता है। और जहां पहले जो मिरर वाला पॉइंट था वहां मैं दो LEDs इंस्टॉल करने वाला हूं। तो ये LEDs कुछ डिफरेंट टाइप का होने वाला है, जो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो LEDs है ये DRL का काम करेगा और लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया लगेगा आपके स्कूटी पर। तो ये है वो हैंडल बार मिरर जिसको अभी मैं अपने स्कूटी में इंस्टॉल करूंगा। और ये है LED लाइट, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें तीन LED दी गई है। और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो बिल्कुल कम है, ये 1 वाट का है। और ये वाइट कलर का है और इसको आप किसी भी 12 वोल्ट व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो मिरर वाला पॉइंट है जहाँ से हमें इंस्टॉल करना है वो इस साइड में, यहाँ से ये इस तरह से इंस्टॉल होगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले हम मिरर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इस लाइट को इंस्टॉल करेंगे। उस मिरर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले हैंडल के साइड में कटिंग करनी होगी इस तरह से। तो मेरा तो पहले से किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया था हैंडल बार लाइट पे, तो उस टाइम ही ये कटिंग किया था। और कटिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कटिंग बिल्कुल यहाँ तक होना चाहिए, मतलब अंदर का जो हैंडल बार है वहाँ तक, क्योंकि वो जो मिरर है वो इसमें ही जाके सेट होगा। और सेम उसी तरह उस साइड भी करना है। तो मिरर का जो ये वाला साइड है यही जाके हैंडल बार का जो होल है उसमें जाके सेट हो जाएगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और इस मिरर को यहाँ इंस्टॉल करने के बाद इसका जो पोजीशन है, मतलब इसको आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए भी इसमें एक स्क्रू दिया गया है ये वाला। इससे आप इसको लूज़ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट करने के बाद एलन की मदद से इसको वापस टाइट कर लेना है। और एक्सेलरेटर वाले साइड में जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा गैपिंग रहना है इस दोनों के बीच, ताकि ये फ्रीली मूव हो। और इस मिरर को आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिस साइड भी आपको रखना है, इधर रखना है या इस तरह से। तो अब मिरर रिमूव करने के बाद अब मैं वो जो LED है उसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो LEDs के इंस्टॉलेशन के लिए हमें ये वाला पैनल और ये नीचे वाला पैनल रिमूव करना होगा। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, बाकी अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए इसको रिमूव करने में तो मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख के रिमूव कर सकते हैं। तो इस दोनों LED को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक अलग से स्विच परचेस करना होगा। ये पुश एंड पुल स्विच है, आप कोई सा भी स्विच यूज़ कर सकते हैं, पर ये करना इसलिए ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें छोटा सा बस एक होल करना है तो ये फिट हो जाएगा। और इस LED को इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐसा वाला स्क्रू चाहिए होगा जो मिरर वाले पॉइंट में जाके फिट हो जाए। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो मिरर रिमूव कर रहे हैं, और जिनको मिरर रिमूव नहीं करना है और सिर्फ ये वाला ही इंस्टॉल करना है तो वो मिरर सही आपका हो जाएगा। तो मुझे तो एक पीस इसका मिला नहीं, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। ये जो मिरर है मेरा, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री हो गया है। तो वैसे ही ये किसी काम का था नहीं, तो मैंने इसको यहाँ से कटिंग करके इसका जो स्क्रू था उसको निकाल लिया, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले स्विच को यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है और दो वायर इससे निकाल लेना है। और अगर आप इसका इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था फॉग लाइट पे, तो उसमें मैंने इसको इंस्टॉल करके दिखाया, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब मैं कनेक्शन बताता हूँ। तो हर एक LED में दो वायर दिया गया है, एक ब्लैक एक रेड। ब्लैक आपका निगेटिव है और रेड पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है कि जो ये रेड वाला वायर है वो स्विच का जो स्विच में जो दो वायर है उसमें से कोई सा भी एक वायर को इस रेड वायर से कनेक्ट कर देना है, और ये जो ब्लैक है इसको निगेटिव से कनेक्ट करना है, और जो स्विच में एक और वायर रह गया था उसको इग्निशन से कनेक्ट करना है। तो हमें एक स्विच से इस दोनों LED का कनेक्शन करना है। तो हमें करना क्या होगा, इस दोनों का जो रेड वायर है उसको आपस में कनेक्ट कर लेना है, और जो ब्लैक है उस दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने कनेक्शन कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ किस में मैंने कनेक्शन किया है। तो एक वायर जो इससे आया हुआ था रेड वायर, उसको मैंने यहाँ पे इग्निशन का सॉकेट आपको मिलेगा ये वाला, इसमें कनेक्शन किया है, ठीक है, ये वाला वायर।
और स्विच का जो एक और वायर बच गया था उसको मैंने, दोनों को जो मैंने आपस में कनेक्ट किया था एलईडी का, उससे कनेक्ट किया है। और दो ब्लैक वायर जो एलईडी का रह गया था उसको मैंने निगेटिव से कनेक्ट किया है। तो निगेटिव मैंने पहले भी बताया है कि आप किसी बोल्ट पे भी ले सकते हैं, चिचिस वगैरह पे, या बैटरी का जो निगेटिव पॉइंट है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ये जो वायर है इसको अच्छे से अरेंज कर लेना है। इस एलईडी को यहाँ से निकालने के बाद अब इसका हम इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इस वायर जो निकला हुआ है वायर, उसको अंदर के साइड कर लेना है। तो विजिबिलिटी की बात करें तो उस वाले मिरर के मुकाबले इस वाले मिरर की जो विजिबिलिटी है वो कम होगी, और हैंडल वाइब्रेशन के वजह से भी हो सकता है कि आपका मिरर वाइब्रेट करे तो आपको देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर लुक वाइज देखा जाए तो ये वाला मिरर काफ़ी बढ़िया है उस वाले मिरर के मुकाबले। तो अगर आप दोनों चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अगर आप एक अच्छी विजिबिलिटी चाहते हैं सिर्फ, आप उस वाले मिरर को इंस्टॉल करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।